Bismillah Ramana Raheem. Dear students, we finished the chapter number 3. What we learnt in this chapter, just have a glance on the learning we have made here. First of all, we studied about uh, main groups of food. Usme kya tha? A carbohydrate, its sources and functions. Then we studied about protein, its sources and functions. then we studied about fats in sources and functions then we studied about vitamins its sources and functions and beside that we studied and we learned about balanced and unbalanced diet also हमने ये भी देखा किस तरीके से selection करते हैं food groups का और हमने ये भी देखा ये सारी चीजें हो जाएं hygiene ना हो तो कुछ भी नहीं होगा हम बीमार भी, भी होंगे हम हेल्दी भी नहीं होंगे और इन सारी खुराक का कोई फायदा नहीं होगा सो दिस एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर मी फॉर वी ऑल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज कमिंग हियर चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट राइट द सेकेंड लार्जेस्ट फूड ग्रुप मैंने कहा था फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था हम्म सेकंड लार्जेस्ट कौन सा था आप लोग थोड़ा सा स्टार्ट में देखें आपको क्लियर हो जाएगा ग्रेन्स है वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है या डेरी प्रोडक्ट्स है क्या है यू चेक दैट राइट उसके बाद फॉलोइंग द मैक्रो न्यूट्रिय एक्सेप्ट इफ यू रिमेंबर हमने तीन के बारे में कहा था कि ये मैक्रो है और चौथे के बारे में नहीं कहा था तो आप इफ यू रिमेंबर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से मैक्रो थे और इनमें से एक मैक्रो नहीं है वो कौन सा है उसको आप लोग सही करें द फूड न्यूट्रिय प्रोवाइड डबल एनर्जी यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वाइटामिन फैट्स इनमें से एक ऐसा है कि वो डबल एनर्जी देता है अब विटामिन को तो एनर्जी से निकालो ये नहीं प्रोटीन भी देता है और कार्बोहाइड्रेट भी देता है लेकिन फैट भी देता है ज्यादा देता है सही जवाब आप लोग इन सर्कल कर दें उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी वाइटामिन नहीं है प्रोटीन नहीं है कार्बोहाइड्रेट नहीं है फैट नहीं है हमने तीन के बारे में कहा था कि ये एनर्जी देते हैं राइट right? एक ऐसा था कि जिसमें नहीं था यहां पे भी मैंने आपको बता दिया द सोर्स ऑफ वाइटामिन ई आपको टेबल याद होगा मेरे प्यारे बच्चों उस टेबल में भी में, देख ले, मिल्क में होता, है, में होता है फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता ग्रेन्स में नहीं होता या वेजिटेबल में नहीं होता या ऑयल में नहीं होता जिसमें नहीं होता उसका इंसर्कल कर, इंसर्कल कर दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन Hmm, बड़ा क्लियर लिखा हुआ था कार्बोहाइड्रेट नहीं है अमाइनो एसिड सोचा जा सकता है वाइटामिन लिपिड यानी क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रोटीन किसी से बने होते हैं यू हैव स्टडी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ वाइटामिन सी सीधा जाए वाइटामिन सी को देखें कौन सा वाला में वाइटामिन सी नहीं देता जो नहीं देता सॉरी जो देता है जो वाइटामिन सी देता है प्यारे बच्चों उसको टेक करें शॉर्ट टर्म रिस्क ऑफ अनबेलेंस डाइट अनबैलेंस डाइट आप देखोगे और उसमें से डायबिटीज है हार्ट डिजीजेज है इन डाइजेशन है ओबेसिटी है क्या है राइट द टें प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन इज होल्ड फूड एट लो टेम्परेचर यूज प्यूरिफाइड एंड बॉइल्ड वाटर डू नॉट बैथ डेली स्पिथ ऑन एंड कवर नोज प्रिंसिपल्स ऑफ इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ हाईजी है उन्होंने करने सो डियर स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी हो सो दीज आर ऑल टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट फौरन उस टॉपिक में जाओ टेक्स्ट में टेक्स्ट बुक को देखोगे तो मुझे यकीन है कि आपको पहले तो याद होना चाहिए आपको क्योंकि आपने किताब को भी पढ़ा मतलब तो किताब भी पढ़ी मैंने भी आपको लेक्चर दिए वो भी आपने डिटेल से सुने तो अगर आपको कोई इशू है तो वापस जाओ दोबारा देखो यू विल डू इट इन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक लाइक फिल इन द ब्लैंक्स एंड द फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो वेरी इजी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू वही चीजें दी जो आपने वहां पढ़ी थी यानी कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है फिर कौन सी चीजें डिजाइन टू मेक हेल्थी क्या चीज हमने बनाई थी क्या बताया था कि आपको हेल्दी हम उसकी मदद से बता सके फिर सिंगल ग्राम ऑफ प्रोटीन ऊपर कार्बोहाइड्रेट था प्रोटीन कितना देता है हमने बात की थी वाइटमिन क्या करता है मैंने डिटेल से बताया था आपको और अनबैलेंस डाइट के तीन नुकसान हैं आप उनको देख लें बैलेंस डाइट के नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो अनबैलेंस डाइट है और वहां पर एक ही पैराग्राफ में ये क्लियर कट लिखे हुए हैं I want you you. to go yourself. That's why I'm not telling you. Answer the following questions briefly. शुरू होगा प्यारे बच्चों पहले शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वन भी हो सकता है, हाफ लाइन भी हो सकता है दो लाइन में भी हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए वट इज बैलेंस डाइट ना ज्यादा ना कम प्रॉपर जो जो फूड ग्रुप्स हैं जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को वो करें तो वो बैलेंस डाइट है इन लिस्ट मेजर फूड ग्रुप्स ऑलरेडी आपने पढ़े हुए डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड राइट देयर इंपॉर्टेंस उसके बाद है इज फूड इंपोर्टेंस हमने डिस्कस किया था नेम फेट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल वाइटमिन मैंने आपको वाइटमिन दो किस्म के बताए थे यानी एक वो ग्रुप था जो फेट में होता है दूसरा वो था जो पानी में वाटर में सॉल्युबल होता है वट हेल्थ प्रॉब्लम आर काज बाय अनबैलेंस डाइट हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन से हमने डिटेल से बात की डिफाइन हाइजीन हाइजीन क्या है डिफाइन कर लो वेरी इजी क्वेश्चन आई एम डेम श्योर अगर आपको फिर इश्यू हो यू कैन रेफर टू द टेक्सट बुक कमिंग टूवर्ड्स डी डिटेल क्वेश्चन राइट डाउन डिटेल नोट ऑन बैलेंस डाइट इधर भी था डिटेल में इस पर आप लोगों ने करना है उधर शॉर्ट लिखना है यानी लॉन्ग में लॉन्ग लिखना है इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस डाइट ऑन हेल्थ यह भी जरूर लिखना है व्हाट आर द मेजर फूड ग्रुप्स हाईलाइट देयर पोजिशन इन द पायरामाइड एक तरफ पायरामाइड उठा लें और पायरामाइड में जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो बता दें और उसके बाद क्या करें डि एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ एंड सोर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन सोर्सेज कहां है फंक्शन क्या है हमने डिटेल से पढ़ ली राइट नोट्स एंड क्लासिफिकेशन सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ वाइटमिन एक टेबल था बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है जिसमें मैंने आपको बताया वाइटमिन ए बी सी डी ई e. मैंने कहा एफ नहीं है उसकी जगह के है सो सिक्स आर देयर उनका बना दो खूबसूरत सा चार्ट बना होगा अपने से पहले बनाया होगा यू कैन डू इट कंपेयर बैलेंस डाइट एंड अनबैलेंस डाइट बैलेंस डाइट में क्या होगा अनबैलेंस डाइट में क्या होगा दोनों लिख दें कंपेरिजन में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन हाइजीन की इंपॉर्टेंस को डिटेल से देख लें मुझे यकीन है मेरे प्यारे बच्चों दिट बी एबल टू डू इट और इसको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इंशाला छोटी एक सी एक्टिविटी है जो कि हम आ, 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 मतलब यू कैन डू इट ऑन दिस पेपर आल्सो यू कैन यूज एक्स्ट्रा पेपर फॉर दिस मेक लिस्ट ऑफ दो विच आर गुड फॉर हेल्थ एंड आस दोच काज ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज सो मीन हेल्दी फूड कौन से हैं अनहेल्दी फूड कौन से हैं? अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखें रूटीन में देखें देखें आप लोग जब ज़्यादा नूडल्स खाते हैं जब आप लोग वो फिज ड्रिंक्स लेते हैं अनहेल्दी फूड लेते हैं तो वो क्या होगा उससे वो अनहेल्दी फ़ूड होगा ज़्यादा बेहतर है आप घर के कुकिंग काें ममा से कहें कि वो आपके लिए बनाएं हेल्दी रहें और खुश रहें अल्लाह आप लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। मेरे प्यारे बच्चों मुझे यकीन है कि इन ये एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर करोगे और Uh, मुझे भी दुआ में याद रखेंगे और इन बेहतरीन इंसान बनेंगे इस मुआरे के लिए इस मुल्क के लिए सो बेस्ट अफलक माइरिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़